उत्तर प्रदेश इस वक्त सियासत का एपिसेंटर बन चुका है। हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, ये नवाबों का शहर है। हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में। हर प्रत्याशी अपना अपना जोर लगाए हुए हैं। वहीं पर एक प्रत्याशी बहुत उभर कर युवा नेता सामने आ रहे हैं, जो कि सनातन धर्म पार्टी से हैं। जनता ने इनको भावुक किया, जनता इनके साथ है, जैसा कि मैंने जानकारी करी। यहाँ की जनता एक नए रूप में नया विधायक चाहती है। ये ऐसे प्रत्याशी हैं जो किसी पर्चे का मोहताज नहीं हैं। हम आपसे इनसे रूबरू कराएंगे, इनसे वार्तालाप करेंगे कि ये किन मुद्दों पे जनता को चुनाव जीतने के लिए कहेंगे। ये इनकी जनता ही है जो इनका मानना ये है कि ये जनता ही है जो चुनेगी हमको और खुद चुनाव जिताएगी मुझे। ये विधायक खुद नहीं होंगे, इनकी जनता विधायक होगी। लोगों से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, इस विधानसभा में नहीं, पूरे लखनऊ की विधानसभा में, हर उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पर खोखले हो जाते हैं साबित। लेकिन इनका मानना यह है, हमारी इनसे मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई, इनका मानना सिर्फ इतना है कि मैं खुद विधायक नहीं होऊंगा, मेरी जनता विधायक होगी। आइए जानते हैं हम अनिल गिरी जी से। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि आप किस मुद्दों पे ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं तो सर्वप्रथम प्रणाम करूंगा अपने क्षेत्रवासियों का। मैं अनिल कुमार गिरी, 170 सरोजनी नगर विधानसभा, सरोजनी नगर लखनऊ। मैं अपनी सर्वप्रथम तो अपनी जनता को मैं धन्यवाद कहूँगा कि आज वो दौर आ गया है कि उनकी प्रेरणाओं से मीडिया खुद चल के मेरे घर तक आई है और मुद्दा मेरे पास जो जनता की प्रेरणा द्वारा मिला, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बातें तो सभी करते हैं। आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मैदान में उतर गए हैं, आपके सामने बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बसपा है, सपा है, भाजपा है, आम आदमी है, अन्य भी लोग पार्टियां हैं। आपने अपनी पार्टी बनाई सनातन धर्म से, और आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, इनका सामना कैसे कर पाएंगे? पार्टी की बात कहें तो अपना भारतीय सनातन पार्टी, जो कि बनी तो पूरा भारत ही सनातनी है। और मुद्दों की बात किया जाए तो जनता ने ही मुद्दा बनाया, नालियाँ बनी तो पानी नहीं पास होता है, रोडें बनी हैं तो चलने लायक नहीं है, शिक्षा का स्तर इतना है कि बहनें कहने को तो सुरक्षित बताती हैं लेकिन सुरक्षित नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, हमारे पास ये मुद्दाएँ हैं। ये तो सभी बात करते हैं, इन मुद्दों पे तो सभी नेता बात करते हैं। आम किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? किन कोई आपका नया मुद्दा ऐसा मोटिवेट जो जनता आपसे रूबरू हो और आपको सहयोग करके, सपोर्ट करके, आपको वोट करके आपको विजय बनाए? देखिए, जहाँ तक अभी तक जनता जो नवयुवक चेहरा चाहती थी उस रूप में मुझे खड़ा कर दिया चुनावी दंगल में। अब मैं आया हूँ तो सरकार की जितने भी योजनाएँ आई हैं, क्या जनता उसे लाभवंती हो पाई है? ठंडे बस्ते में सब पड़ा हुआ है, जो पिछले जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से, तब से उठा के देख लिया जाए तो वो कार्य नहीं हो पाए हैं जो एक विधायक को प्रतिनिधि के रूप में करना चाहिए, जो जनता जो चाहती है। मेरे पास मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अलावा एक्स्ट्रा कौन सा मैं बता दूं जो मैं दूंगा? हमारे पास तो सरकार की योजनाओं ही जनता तक अगर पहुंचा दिया है तो इतनी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, तो जनता बहाल हो जाएगी। मेरे पास जो मुद्दा है, जो माताएं हैं जो 60 साल पार कर गई हैं, उनका पेंशनें नहीं बन पाई है। जैसे कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने उनकी पेंशन बांध दी, विधवा पेंशन बांध दी है, क्यों? आपको क्या लगता है आप सरोजनी नगर की जनता क्या चाह रही है? उनको मिला कभी कुछ? इस कोरोना काल में देखा जाए तो उन माताएं जो आईं कि मेरी पेंशन नहीं बन पाई, उसका निरीक्षण और सर्वेक्षण किसने किया? क्या उनको मिल पाया इसका लाभ? बस्ते तो खुले लेकिन कागजों में, जनता तक क्या उनकी बातों को पहुंचाया गया कि आपकी पेंशन बनी कि नहीं बनी? उनकी पेंशन नहीं बनी, वो बदहाली है। और जो वृद्धावस्था में है वो सरकारी लाभ लेने के लिए जा पाए, जर्जर हालत में
बदहाली में, इस कोरोना काल जैसी महामारी में कोई उनकी सुनने वाला नहीं। तो आप किस तरीके से जनता को सुविधा का जो है लाभ उठाने के लिए मौका मिलेगा, कैसे उनको सुविधा मिल पाएगी, आपके जरिए क्या मिल सकता है, आप कुछ नया? नया तो मेरे पास नवयुवक है जो सोच रखता है, नई प्रेरणा। युवक तो आप भी हैं। मैं नवयुवक तो हूँ, उन्हीं की तो प्रेरणाएं हैं जो मैं यहाँ बैठ पाया हूँ। नॉमिनेशन कराया, चुनावी दंगल में आया, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, आम नागरिक हूँ, जनता का दुख दर्द हर पाऊँ, इसलिए उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया कि भैया जी मैं आपके साथ में हूँ, आप उस योग्य हैं कि हमारे दुखों के आपके अलावा कोई निवारण नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े नेता आते हैं, वादे कर जाते हैं, लेकिन उस पर कोई खरा नहीं उतर पाता है। और मैं अपनी सरोजिनी नगर जनता को, मूल निवासी, इसी विधानसभा 170 सरोजिनी नगर का निवासी हूँ, और मैं शपथ लेता हूँ कि विधानसभा में नेता नहीं, एक बेटा को लाएं और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उनके तक वो स्वयं नेता के रूप में पाएं। ये जैसे कि लाभ किस प्रकार का आप दे पाएंगे उनको, जैसे कि आपकी पार्टी सनातन धर्म की है, सनातन धर्म हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तानी वासियों को जनता को सनातन किसे कहते हैं, उसके विषय में आप जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, सनातन की बात किया जाए तो सत्ता, जाति, धर्म, मानवता का कोई ध्यान ही नहीं देता है। सनातन कहते किसको हैं, इस पर अगर बात छेड़ेंगे तो बहुत लंबी वार्तालाप हो जाएगी। थोड़ी सी मेरे चैनल के माध्यम से जनता को बता दें थोड़ा सा। सनातन जो सना हुआ है तन से, वो सनातन है। जैसा कि इन्होंने बताया, जिसका तन सना हुआ है उसको सनातन कहते हैं। ये बड़ी बात है, और कहने को बहुत सारी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अब ये जानते हैं इनसे हम, अनिल गिरी जी से, कि शिक्षा रोजगार की सभी लोग बात करते हैं, पर अब जो है जानना है ये कि ये किस तरीके की कार्यशैली बनाएंगे अपनी जिससे जनता इनको वोट दे के अपना विधायक चुने। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जनता ही विधायक होगी, मेरा तो नाम चलेगा। मेरी जो बहनें हैं जो शिक्षा हासिल कर लेती हैं, उनके पास सिलाई कढ़ाई, खाना बनाना, नए नए मार्ग देना उनको, हमारी विधानसभा में जितने भी वार्ड हैं हर जगह उनके प्रशिक्षण केंद्र मैं खोलाऊंगा। ये मैं शपथ लेता हूँ उस जनता के सामने, और मैं बोलता हूँ ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो रहेगा ही, और अपनी बातों से नाम मुकरूंगा नहीं। और मेरे जो बेरोजगार भाई हैं जो शिक्षा के साथ आज जो कंप्यूटर का स्तर बनाया तो इंसान नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या उससे रूबरू हो पा रहे हैं? आज के समय ये आ गया है कि कंप्यूटर ही इंसान को चला रहा है, रोजगार के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से उसी पे निर्भर जब हो गया है, तो कुछ ऐसी शिक्षा पद्धति लागू कर दिया जाए स्कूलों में। अब मैं करवाऊंगा, जनता में आऊंगा, कराऊंगा, प्राइमरी सेक्शन से लेके जो बच्चों पे बोझा लाद दिया जाता है बैग ढोने का, जब पद्धति कंप्यूटर की आ ही गई है तो हर स्कूल में अपने वार्ड के जितने भी क्षेत्र हैं स्कूल के अलावा वार्ड में प्रशिक्षण केंद्र मैं खोलाऊंगा, ताकि आने वाले जो नवयुवक हैं, जो हमारी जनरेशन है, गुमराह ना हो के सीधे मुद्दे पे आ जाए, पढ़ाई लिखाई जो टॉपिक है उसको इतना ज्ञान आ जाए कि इंसान ने जो कंप्यूटर को बनाया है इतना आगे ले गया है, उसके बारे में रूबरू हो पाए। जैसे कि जनता ने आपसे कहा कि आप विधायक के रूप में उम्मीदवार बनिए, तो आपने अपनी भारतीय सनातन पार्टी से नामांकन भर दिया, तो ये जनता है सब जानती है, दुनिया जानती है इस बात को, तो आपको क्या लगता है जनता आपको विजय बनाएगी? देखिए, वो तो जनता है, जब उन्होंने मेरे को प्रेरणा दिया है और इस रूप में यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया है, तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो मुझे निराश करेगी। जनता है, जब जागेगी तो कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएगी, और इस उम्मीद के साथ जब मुझे खड़ा किया है तो भारी मतों से विजय भी बनाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी हमारे साथ थे। मैं एम ए कुरैशी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं इसी तरीके से आपको रूबरू कराऊंगा। 10 मार्च को होगा फैसला, किसके सर होगा ताज, किसके हाथ लगेगी निराशा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। देखते रहिए जेडी न्यूज़ लखनऊ।